नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों। दोस्तों अब गूगल की मनमानी नहीं चलने वाली है। दोस्तों गूगल को जवाब देने के लिए इसरो ने पूरा मन बना लिया है। इसके लिए इसरो और मैप माई इंडिया ने हाथ मिलाया है और ये एक नया नेविगेशन ऐप होगा। दरअसल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर गूगल अपनी मनमानी करता है और किसी भी देश के नक्शे को बदलने की हरकत करता है, खास करके भारत के संबंध में तो अधिकतर आपने देखा ही होगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो और लोकेशन एंड नेविगेशन सेवाएं देने वाली कंपनी मैप माई इंडिया के साथ मिलकर गूगल मैप की तरह स्वदेशी सेवा देने की घोषणा की है। इस पोर्टल पर भारत का सही नक्शा तो दिखाया ही जाएगा, देश के लाखों गांव और हजारों शहरों की गली मोहल्लों की भी सही सही जानकारी मिल सकेगी। मैप माई इंडिया के सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर रोहन वर्मा के मुताबिक इसरो की तरफ से सैटेलाइट इमेज और ऑब्जर्वेशन डेटा उपलब्ध कराया जाएगा, जबकि मैप माई इंडिया डिजिटल तरीके से सर्विस उपलब्ध कराएगी और इसे आत्मनिर्भर भारत की दिशा में मील का पत्थर करार दिया गया है। वर्मा ने कहा कि भारत के लोगों को अब नक्शे, नेविगेशन और भूस्थानिक यानी कि गांव और शहरों की गली मोहल्लों की जानकारी के लिए विदेशी कंपनी पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं होगी, उनके सामने इसका स्वदेशी समाधान मौजूद होगा। इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म लिंक्डइन पर अपने पोस्ट में वर्मा ने लिखा है कि आपको गूगल मैप या फिर गूगल अर्थ की आवश्यकता नहीं है, दोनों कंपनियां नेविगेशन के ऐप को जारी करेंगी। इसरो के मुताबिक ये सेवा मुहैया कराने के लिए अंतरिक्ष विभाग और मैप माई इंडिया का स्वामित्व रखने वाली कंपनी सीई इन्फो सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड के बीच एक करार हुआ है। करार के मुताबिक दोनों ही कंपनियां अपनी अपनी टेक्नोलॉजी और विशेषज्ञता का उपयोग करते हुए लोगों को बेहतर नेविगेशन और स्थानीय जानकारियां मुहैया कराएंगी। इसरो के द्वारा विकसित भुवन, वेदाज और मोजडेक नाम का पोर्टल का उपयोग किया जाएगा। भुवन पर देश की भौगोलिक जानकारी है। वेदाज एक ऑनलाइन जियो प्रोसेसिंग प्लेटफॉर्म है जिस पर शिक्षा और रिसर्च से जुड़े लोगों के लिए जानकारियां हैं। वहीं मोजडेक पर इसरो के मौसम संबंधी मिशन से जुड़ी जानकारियां हैं। मैप माई इंडिया भारत सरकार की तरफ से मान्य भारत के नक्शे को दिखाती है। इस पर देश के 7.5 लाख गांव, 7,500 से अधिक शहरों के घरों और गलियों की जानकारी है। साथ ही देश भर के 63 लाख किलोमीटर रोड नेटवर्क का डिटेल भी है। ये पोर्टल देश भर में करीब करोड़ों स्थानों की जानकारियां उपलब्ध कराता है, यानी कि एक बड़ी उपलब्धि। और गूगल को जवाब दिया है उसी की भाषा में और इस चीज की बेहद जरूरत भी थी, क्योंकि दरअसल हम लोग अभी भी गूगल मैप पर भरोसा करते हैं। आपको बता दें कि नाविक भी इसरो ने लॉन्च किया हुआ है, हालांकि इसका इस्तेमाल सुरक्षा संबंधी चीजों के लिए किया जाएगा। बहरहाल अब भारत को अपना स्वदेशी नेविगेशन ऐप मिलने जा रहा है और इससे अब गूगल की मनमानी नहीं चलने वाली है। बहरहाल दोस्तों इसरो और मैप माई इंडिया के लिए एक लाइक तो बनता है जिन्होंने स्वदेशी तौर पर इस नेविगेशन सिस्टम को विकसित किया है, और ये भारत के लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि भी होगी और सटीक जानकारी उन्हें मुहैया कराई जाएगी। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूं नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।